हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने परिवार में NY में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आते हैं फिजिक्स की बेहतरीन सी क्लास, जिसमें हम आपको कराते हैं टॉपिक वाइज और ट्रिक के माध्यम से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की संपूर्ण जानकारी आपको जब देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं आज के बारे में। तो क्लास नंबर 50 आपकी स्टार्ट हो गई है, 50वीं आपकी एक क्लास है और आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है हमको आज की वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसे ही चैनल को देखते रहिए और अपनी स्टडी को रेगुलर करते रहिए। दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखें, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रतिरोधक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक भी होते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोधक भी होते हैं। जैसे तार आबद्ध का एग्जाम्पल मैंने आपको मैग्नेट बताया था, और तार आबद्ध वाले क्या होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं और हैवी हो जाते हैं। लेकिन कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, है ना, और हल्के वजन के होते हैं, जिससे कि उनका ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण में मैंने आपको चार वर्ण लास्ट टाइम बता दिए थे कि कोई भी कार्बन प्रतिरोध के अंदर चार वले, यानी कि चार रिंग उसके अंदर होते हैं। पहले रिंग का नाम ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उससे आगे की बात करते हैं। अब हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, याद रखेंगे आज की वीडियो से 2 नंबर का आपके एग्जाम्स में लगने वाला है। तो बिल्कुल तरीके से आप समझेंगे, कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं, देखिए मेरा चार वले आपको बता दिए थे। अभी चार वले में से मैंने आपको बताया था कि जो वले ए है, ठीक है, ए और बी क्या करता है, सार्थक अंकों को डिनोट करता है। वले ए और बी सार्थक अंकों को डिनोट करता है। वले सी क्या करता है, 10 की घात C को डिफाइंड करता है, है ना, समझ में आ रही है बात, दशमलव के गुणक को। और जो डी था आपका वो क्या करेगा, उससे है शक्ति को दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा देखिए जरा। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। अगर हम कार्बन प्रतिरोधक की बात करें तो कार्बन प्रतिरोधक कैसा दिखाई देता है, ये आपके सामने लगा हुआ है कार्बन प्रतिरोधक। ये लो, इस तरीके से डायग्राम होगा कार्बन प्रतिरोधक का। ठीक है, चार रिंग मैंने इसमें आपको बताया है, ए बी सी और डी। ठीक है भैया, अब याद रखो स्टार्टिंग में जो तीन होंगे ए बी सी, ये तीनों क्या होंगे, प्रतिरोध के मान को डिफाइन करेगा। क्लियर है, और जो आखिरी वाला डी है ये सहन क्षमता को प्रतिशत में दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सहन क्षमता को। चलिए, ये तो हमें काम नहीं। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे, आपसे सवाल ये आएगा कि किसी भी प्रतिरोधक तार का या प्रतिरोधक ऑब्जेक्ट का आप प्रतिरोध बताइए कितना होगा। तो याद रखेंगे फॉर्मूला R बराबर ए बी इंटू 10 की पावर C, ये ओम, ये सारी बातें ओम में रहेंगी, प्लस माइनस डी प्रतिशत। फिर दोबारा सुनेंगे आप, आर बराबर क्या होगा, ए बी इंटू 10 की पावर C, है ना, और प्लस पर से ओम में हो गया, उसके बाद प्लस माइनस डी का प्रतिशत लग जाएगा। अब ये है क्या और कहां से इनके मान निकलेंगे, ये अभी आपको पता लग जाएगा थोड़ी सी देर में, है ना। चलिए, तो देखिए जरा यहां से 10 की घात C को आप, इसको कई बार जगह कई बुक्स में आपको सी लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन आप ऊपर वाले को ही याद रखेंगे, ए बी इंटू 10 की पावर C ओम प्लस माइनस डी परसेंट। क्लियर है, चलिए अब यहां से आ गए इस टेबल के ऊपर। क्लियर है, देखो मैंने आपको बताया कार्बन प्रतिरोध में चार वर्ण होंगे ए बी सी डी, और चारों के रंग अलग अलग होंगे। एग्जामिनर आपको रंग देगा, क्या देगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन के अंदर आपको चार रंग दिए जाएंगे, ठीक है, और चारों रंग देने के बाद में वो बोल देगा चार पट्टियां हैं, हरी पीली नीली काली इस रंग की, और उसका प्रतिरोध बताइए। तो देखो जो रंग पहले दिया हुआ होगा वो किसका मान होगा, ए का। जो दूसरे नंबर में दिया हुआ होगा वो बी का, जो तीसरे नंबर में दिया हुआ होगा वो सी का, और जो चौथे नंबर में दिया हुआ होगा वो डी का मान होगा। अब इन ए बी सी डी के मान इस सारणी से आप निकालेंगे रंगों के थ्रू। जैसे अब देखो रंग कितने हो जाते हैं हमारे पास, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफेद, स्वर्ण, चांदी और कोई रंग नहीं। याद रखना 13वें नंबर में कौन रहेगा, कोई रंग नहीं। इसके बाद चार पोर्शन बन जाते हैं, पट्टी है, इसको वले भी बोल देते हैं, पट्टी भी बोल देते हैं।
पट्टी ए, पट्टी बी, पट्टी सी, पट्टी डी। अब पट्टी ए और बी की अगर मैं बात करूं तो कितने पॉइंट बनते हैं, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिखेंगे और बाकी को खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही बी में आ जाएंगे, 0 से लेकर 9 तक लिखेंगे, बाकी के खाली छोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब बात करते हैं सी की, तो सी को ये तो सार्थक अंक है, ये ए और बी के है ना, मैंने आपको बताया था ए और बी क्या होंगे सार्थक अंक, और सी क्या होगा इन्हीं सार्थक अंकों का गुणक, घात में चला जाएगा। जैसे सी के अगर 0 है तो 10 की घात 0, 1 है तो 10 की घात 1, 2 है तो 10 की घात 2, 10 की घात 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक ये 3 खाली जुड़ जाएंगे। और बात करें डी की, तो डी अगर अपना 1 से लेकर 9 तक खाली रहेगा 10 तक, और आखिरी के 3 में क्या होगा 5%, 10% और 20% आपका यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई, ये टेबल आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों एग्जाम्स में आएगा क्या, देखो जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बोल देगा वो क्या, देखो मैं आपको यहाँ पर बता इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, समझ रहे मेरी बात को, इसको याद रखने का तरीका क्या है। देखो याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है, इसका आसान तरीका है, देखिए जरा कैसे। देखो आपको याद क्या करना है भाई, आपको ये रंगी तो याद रखने नंबर से है ना, ये नंबर से रंगी तो याद होने चाहिए। तो देखें जरा ध्यान से कैसे याद रखेंगे, इसका एक पंडा मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ध्यान देंगे सामने। देखो एक डायलॉग याद रखना है छोटा सा और आपका काम हो जाएगा। देखो बीबी रॉय, क्या बताया मैंने आपको, बीबी रॉय गुड बॉय हैज वेरी ग्रेट वाइफ, सुनते रहे ना ध्यान से, बीबी रॉय गुड बॉय, बीबी रॉय क्या है गुड बॉय है, और क्यों गुड बॉय है, हैज वेरी ग्रेट वाइफ, क्योंकि उसके पास ग्रेट वाइफ है, समझ रहे आई बात, नहीं बिग वाइफ नहीं है ग्रेट वाइफ है, समझ गए। अब आप समझते होंगे ग्रेट वाइफ का मतलब क्या होता है, चलो अपने काम पर आ जाओ। बीबी रॉय गुड बॉय हैज वेरी ग्रेट वाइफ, और जब ग्रेट वाइफ है तो ग्रेट ग्रेट चीजें पहनेगी भैया वो, तो है ना, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, आगे का सुनने, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बीबी रॉय गुड गाय हैज अ ग्रेट वाइफ। क्लियर बात समझ में आ गई, अब याद रखिएगा आप, इस बी का मतलब क्या हो गया ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या हो गया काला, इस बी का मतलब ब्राउन यानी भूरा, इस आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मीनिंग येलो, और इस जी का मतलब ग्रीन, और बी का मतलब ब्लू, एच का कोई मतलब नहीं होता है, वी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे, डब्लू का मतलब व्हाइट, वियरिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है, जी का मतलब गोल्डन सिल्वर, और एन का मतलब नो कलर कोई रंग नहीं सबसे लास्ट वाला, समझ में आ गया बात, क्लियर बात समझ में आ गया। तो ये बात आपको याद रखने, बीबी रॉय गुड बॉय, गुड बॉय हैज अ ग्रेट वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, क्लियर बात समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या रहेगा, आर बराबर ए बी इंटू 10 की पावर सी ओम प्लस माइनस डी प्रतिशत, क्लियर है। चलो अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराऊंगा और आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक चले जाए। अब एक एक करके क्वेश्चन इसके आपको ऊपर आप देखेंगे, चलो इतनी बात से समझ में आ रही होगी आपको, यहां तक की बात क्लियर है। चलो भाई इसको मैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब देखो पहला क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं आप समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बन प्रतिरोध पर, देखिए जरा पहला क्वेश्चन ये है कि एक कार्बन प्रतिरोध पर, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, काला पीला सलेटी, समझ में आ गया बात, और चांदी, चार बोले हैं, प्रतिरोध बताइए, समझ में आ गया। अब प्रतिरोध निकालने का फंडा क्या है दोस्तों हमारे पास, अगर मैं बात करूं आपसे, बोलो आर बराबर ए बी
इंटू टेन की पावर 80 ओम प्लस माइनस, क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं, डी प्रतिशत, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो जरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं मान निकालूं, देखो ए का मतलब क्या हो गया, ए वाली लाइन पूरी की पूरी, और ए का मतलब पहला रंग कौन सा दिया है काला, तो ए में काला ढूंढो, ए में काला ये आ गया, ए में काला क्या गया जीरो, बी में, बी में कौन सा पीला, बी में पीला जो ये बी में पीला ये रहा, चार इंटू टेन की पावर सी सेलेक्टिव, सेलेक्टिव में सी आ गया, टेन की पावर एट, ये हो गया ओम प्लस माइनस, डी क्या होगा बोलो, चांदी, और चांदी में डी क्या बनेगा आपका, टेन, आई बात समझ में, यही आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, और उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया कि कार्बन प्रतिरोध पर काला पीला सेलेक्टिव, क्या बताया, काला पीला और बताया आगे नीला रंग है, और आपको आर बताना है, आर बराबर क्या होगा। अब देखो इस बार क्या दे दिया उसने, तीन रंग दे दिए, चौथा नहीं दिया, समझ रहे हैं, तीन रंग दे दिए, यानी ए बी और सी का मान दे दिया, डी का मान नहीं दिया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो याद रखना डी का मान क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे डी का मान होगा कोई रंग नहीं, अगर उसने डी नहीं दिया है इसका मतलब कोई रंग नहीं है, यानी आर बराबर बोलो फॉर्मूला, ए बी टेन की पावर सी ओम प्लस माइनस डी प्रतिशत, आर बराबर बोलो ए कितना होगा, काला जीरो, बी की जगह पीला चार इंटू टेन की पावर, सी का मतलब क्या नीला, और नीले में सी कितना बोलो, टेन की पावर सिक्स ओम प्लस माइनस, बी की जगह क्या होगा बोलो, कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं का मतलब 20%। इतनी बात क्लियर, आंसर समझ में आ गया होगा आपको, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, चलो आगे, तो इतनी बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं जल्दी से, फिर मैं आगे की बात आपको कराता हूं, एक दो पॉइंट और बचाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए जरा, लास्ट बार हमारे इससे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यहां से दो नंबर का एग्जाम आएगा, इसको लिख लेना, पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट आ जाता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए जरा, नेक्स्ट आ जाता है चालकता क्या होता है, अगर मैं पूछूं आपसे, देखो अगर मैं बात करूं चालकता क्या होता है, देखेंगे जरा, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, क्लियर। अब चालकता जो होती है वो याद रखना, चालकता का मतलब क्या हो गया, चालकता का मतलब ये होगा कि जिस वस्तु के अंदर धारा का प्रवाह होगा वो चालक होती है, और ये घटना चालकता कहलाती है। अब धारा का प्रवाह याद रखना, धारा का प्रवाह का मतलब ये है कि धारा का प्रवाह क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, होता है क्या नहीं, तो यानी याद रखना परिभाषा किया प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, क्लियर है, और इसको डिपेंड करते हैं जी से, और ये हो जाता है आर, तो जी बराबर वर्ग कौन आर, ठीक है। और याद रखना जी का मात्र अगर मैं आपसे पूछूं क्या बन जाएगा, एक बटे ओम, इसको ऊपर ले जाओ आप, ओम की पावर माइनस वन, या उसको ऐसे ले सकते हो ओ एच एम, है ना, ओम की पावर माइनस वन, क्लियर है। और ओम का उल्टा क्या हो जाता है, एम एच ओ, समझ आ गया, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताना जल्दी से जरा,
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलिए समझ में आ गया आपको। अब इससे आगे की बात पढ़ते हैं। क्या अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? देखो अगला पॉइंट हो जाता है हमारा, इसी में एड कर देता हूं, कंडक्टिविटी। अब देखो याद रखना, जब इसके आगे विशिष्ट लग गया, तो क्या इसके आगे विशिष्ट नहीं लगेगा है? तो यहां पर भी विशिष्ट लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे बताओ जल्दी से जरा। कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। आई बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इनमें सिग्मा बराबर क्या हो जाता है और विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, क्लास नंबर 49 में, कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना। तो उसके सिग्मा के अगर मैं बात करूं मात्रक की, तो उसका मात्रक हो जाता है ओम इनटू मीटर। इसको ऊपर ले जाओ, ओम की पावर माइनस वन और मीटर की पावर माइनस वन, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं ओम की पावर माइनस वन और मीटर की पावर माइनस वन। आ रही है बात समझ में? क्या नहीं आ रही? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए जरा अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। तो देखें जरा, आज की क्लास का टॉपिक आपका यहीं तक रहेगा, ठीक है, इससे अलग इसमें कुछ है नहीं। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब याद रखना क्या, देखो एक नोट करके लिख लेना, चालकता का बढ़ता क्रम, नोट डाल के लिख लेना। चालकता का बढ़ते क्रम की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है याद रखने में? आप सबसे पहले कॉपर, तांबा, फिर एल्यूमिनियम। याद रखेंगे तांबे के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम। समझ में आ रही है बात क्या नहीं? ठीक है, देखो जरा आगे, इसको लोहा लिख देते हैं। सबसे पहले लोहा, फिर एल्यूमिनियम, ये बढ़ता क्रम है याद रखना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर है? चालकता के बढ़ते क्रम में हमने इसको लिखा है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा चालकता किसमें होती है? चांदी में, उससे कम तांबे में, उससे कम एल्यूमिनियम, और उससे कम लोहे के अंदर हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।